हमने ये गन्ना लगाया है 94005, ये वैरायटी है और इसको हमने अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया था। बीवा आमरस से उपचरित करके, सरस से उपचरित करके इसको लगाया है और इसमें हमने जीवा आमरस, सरस और घनजीवा आमरस, इसके अलावा हमने कुछ नहीं दिया। इन्हीं चीजों को हर पानी पर देते गए हैं और बीच में मट्टी चढ़ाई है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और इस फसल आपके सामने है। परंतु हर बार डालना पड़ा है उसको और मात्रा ज्यादा देना पड़ी है। कितने दिनों बीच में? ये 25 दिन में पानी लगता था। इसमें पानी थोड़ा कम समय में लगता है अपने, इसमें पानी और फर्टिलाइजर वाले में 18 दिन में लगाना पड़ता है। अपने को ये 25 से 30 दिन चल जाता है। अब कितनी दिनों से गन्ना कर रही है ये? गन्ना का काम तो हम 3-4 साल से कर रहे थे, पहले से भी पूर्वज करते आए हैं, परंतु ये काम हमने पिछले 2 साल से शुरू किया है, जैविक का, अपने ये आयुर्वेदिक जैविक का, प्राकृतिक। यहाँ गन्ने का प्रोडक्शन जो है, एवरेज प्रोडक्शन है 250 क्विंटल पर एकड़ एवरेज, उससे कम भी पिछले साल आया था, 187 तक गया था। पर आपका पिछले साल का प्रोडक्शन रहा है गन्ने का? हमारा 450-500 रहा है, 450-500। और लगभग 12-12 फीट के गन्ने पिछले साल, इनकी वीडियो भी है वो हम दिखाएंगे। तो अभी क्या है, अभी जैसी बेल का सीजन आएगा ये बेल वाला भी चलाएंगे। पिछले साल इन्होंने पंचगव्य भी दिया था, पंचगव्य बना के आपने दिया। तो बस ये मतलब ये है खेती में, बस इन चीजों को शामिल कर लें और वैसे ही खेती करें जैसे किसान कर रहा है। कमर्शियल प्रोडक्शन आएगा और अगर कमर्शियल एस्पेक्ट उसका ठीक रहेगा, मतलब जो उसका जो है जो इनकम ठीक रहेगा, तो फिर इस खेती को अडॉप्ट कर लेगा, उत्पादन उसका नहीं घटना चाहिए, थोड़ा बहुत चल सकता है परंतु ज्यादा घटना नहीं चलेगा। आपका पूरा कितना खेती? हमारा पूरा 63 एकड़ का है। पूरा जैविक? हम पूरा जितना भी कर रहे हैं पूरा यही कर रहे हैं। हमने भले ही हमको शुरू में कम मिलेगा, बाद में तो मिलने लगेगा अच्छा, और अपना एक अच्छी चीज की ओर जा रहा है, हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो क्या शुरू में कम मिला आपको? शुरू में गेहूं में मिला है, पर बाकी चने में नहीं मिला कम, मूंग में नहीं मिला। जहां हमको परेशानी आती थी, कहीं रोग लगता था, कहीं फसल बढ़ नहीं रही, तो हम मार्गदर्शन इनसे लेते थे, इनको बुलाते थे कि ताराचंद जी, बेल जी, आप आइए बताइए हमको, ये हमारी फसल में पीला मोजेक लग गया, उसमें मूंग में बड़ी इनके साथ हुई। ये मूंग लगा के चले गए थे नर्मदा परिक्रमा में, वापस आके देखे तो मोजेक लग चुका है, और एक बार मोजेक लग गया तो फिर वो फसल में कुछ नहीं आता है। पर इनके साथ जो है, जैसी मोजेक लगा इन्होंने मुझे सूचना दी और इन्होंने सडरस डाला, उसके बाद आप बताइए करेगा। सडरस ने इतना शानदार काम किया, शायद ही कोई रासायनिक चाने कितना काम करेगा इतना जल्दी। 24 घंटे के अंदर उसने फसल को तंदुरुस्त कर दिया, उसका रंगत बदल दी, उसने लगा कि हमको कोई चीज मिला, इतना अच्छा रिजल्ट है सडरस का। सडरस एक प्रोडक्ट है मेरा, आंवला और मही को मिला के बनाते हैं। हाँ, मतलब मही यानी छाछ, बटर मिल्क। हाँ हाँ, मतलब 6 लीटर बटर मिल्क में 1/2 किलो आंवला कुचल कर डाल दो, ताजा आंवला ना हो तो सूखा पाउडर डाल दो, 8-10 दिन में एक मीठी खुशबू आ जाएगी। दैट इज जो है सडरस, इसको सडरस हम बोलते हैं। इसका स्प्रे करोगे तो क्या है कि चूंकि पौधे में जैसी वायरस आया तो सूक्ष्म तत्व तो खत्म हो गए, फिर उसमें कोई प्रोटीन नहीं आएगी, बोरान कैल्शियम नहीं है, फूल भी नहीं आएंगे, आ गए तो उसमें फली नहीं लगे। सडरस डालने से उसमें उसकी जो एलिमेंट्स की पूर्ति हो जाएगी, 6 रस उसको मिल जाएंगे, फली हो जाएगी, और वापस ये क्या करे, बैकअप करेगा। जिन पत्तों में मोजेक आ गया वो तो वैसे ही रहेंगे, पर जो नए पत्ते आएंगे वो फिर से हरे होंगे और उनका जो हरापन बढ़ता जाएगा और फिर वो फसल ठीक हो जाएगी। ऐसा केवल इसमें नहीं हुआ, हमको सोयाबीन में भी ऐसा ही हुआ, मूंग में, उड़द में भी यही हुआ।
अभी पानी पड़ा है ना इसमें, पानी पड़ा है तो कम है, अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। वो जो कल महक दिखा रहे थे ना अमृत मिट्टी में, वही खुशबू उसमें आ रही है। और इसके जो ये रूट्स हैं ये एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है ना, मिट्टी पूरी अभी इधर आगे की देखेंगे, पूरी मिट्टी एकदम मुलायम हो गई। ये मिट्टी ये देखिए, ये